स्टूडेंट करता है। फिर पूछेंगे ना भाई कि प्रधानमंत्री जी 2 करोड़ रोजगार कहाँ है, बोले थे 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, आपने तो 2 ही लोगों को रोजगार दिया है। जब चौका लगता था तो याद है कि नहीं है, जब चौका लगता था तो कहता कि BSNL कनेक्टिंग इंडिया, उसके बाद हो गया भाई साहब नहीं लगेगा। और भाई साहब नहीं लगेगा अगर स्ट्रीक कैसे बनाइएगा, पहले आदत लगाया। ये सारी बातें मैं आपसे क्यों कर रहा हूं, मैं ये सारी बातें आपसे इसलिए कर रहा हूं कि हमको अपने देश के भीतर जो सिचुएशन है उसको समझना पड़ेगा, हमारे साथ जो चीजें घट रही। नमस्कार, आप देख रहे हैं SPN9 News। SPN9 News में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ नेहा। मध्य प्रदेश का चुनाव इस बार बहुत ही ज्यादा रोमांचक होता नजर आ रहा है। यहां पर मध्य प्रदेश में कभी प्रियंका गांधी जा रही हैं जनसभा करने, तो कभी कन्हैया कुमार भी अब यहां पर उतरते नजर आ रहे हैं। कल मध्य प्रदेश में कन्हैया कुमार पहुंचे और वहां पर ज्योतिरादित्य सिंधिया के गढ़ से लेकर पूरे ग्वालियर जिले में यहां पर देखने को मिला कि यहां जो कन्हैया कुमार है लगातार अपनी जनसभा करते नजर आए, और साथ ही साथ भाजपा को यहां पर तंज कसने में उन्होंने कोई ऐसी कसर नहीं छोड़ी जिसको यहां पर ये कहा जा सके कि कन्हैया कुमार ने कोई ऐसा मुद्दा छोड़ा हो। इसी बीच आपको बता दें कि यहां पर सिंधिया को लेकर भी काफी कुछ बोलते नजर आए कन्हैया कुमार, तो पहले आप ये वीडियो देखिए। अरे जिसका दोस्त ही प्रधानमंत्री हो, समझ रहे हैं, कहते हैं ना अब सैया भय कोतवाल तो अब डर काहे का, रात भर बतियाते हैं कान में सटा करके जो है, हेलो खाना खाए, क्या खाए, अच्छा सब्जी बढ़िया नहीं था, कीड़ा है, रहने तो कुछ नहीं करेगा। अरे गृह मंत्री मेरा कुछ नहीं कर पा रहा है तो कीड़ा क्या करेगा। आज आपको इधर लड़कियां बैठी हुई हैं, आपको कोई सती होने के लिए कहेगा मानेंगे क्या? आजकल तो गाना आता है मेरे सैया जी से आज मैंने ब्रेकअप कर लिया, आता है कि नहीं आता है? तो वक्त बदलते हैं कि नहीं बदलते हैं? और ये जो बदलाव होता है इस बदलाव को कौन करता है? स्टूडेंट करता है। फिर पूछेंगे ना भाई कि प्रधानमंत्री जी 2 करोड़ रोजगार कहाँ है, बोले थे 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, आपने तो 2 ही लोगों को रोजगार दिया है, एक जो है अमित शाह के बेटा को और दूसरा जो है गौतम अदानी को, तीसरा किसी को तो कोई रोजगार नहीं मिल रहा है। 45 साल में देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है, 45 साल में इतनी बेरोजगारी भारत के इतिहास में कभी नहीं हुआ था। और आप लोग जो है इसमें से मैथ के कितने स्टूडेंट हैं, पक्का मैथ पढ़ते हो? प्रधानमंत्री की तरह गणित तो नहीं है ना तुम्हारा? तो मैथ में एक सेट का क्वेश्चन होता है, हिंदी में समुच्च बोलते हैं उसको, कि जो विद्यार्थी है वो तो पक्के से नौजवान है कि नहीं है? जो नौजवान है हो सकता है कि वो विद्यार्थी ना हो, लेकिन जो विद्यार्थी है वो तो पक्के से नौजवान है, और जो नौजवान है उसी की ताकत से, उसी की एनर्जी से, उसी के ऊर्जा से समाज बदलता है, देश बदलता है, इस बात को याद रखिएगा। मेरी उम्र 35 साल हो गई है और आप सब जानते हैं 23 साल के उम्र में शहीद आजम भगत सिंह ने हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूम लिया था। आप जानते हैं कि एजुकेशन के पावर को इस देश में वो सारे लोग जिनको हम महान कहते हैं, आप छत्रपति शिवाजी महाराज को महान मानते हैं कि नहीं मानते हैं? तो उनको युद्ध की शिक्षा किसने दी? युद्ध की शिक्षा किसने दी? उनकी माँ ने दिया था। और आप सब इधर जो लड़कियां बैठी हुई हैं, इधर ताई भी बैठी हुई हैं, ताई अगर सावित्री बाई फूले नहीं होते तो आप भी मिनिस्टर नहीं हो पाते है कि नहीं है? तो सावित्री बाई फूले ने क्या किया?
सावित्रीबाई फूले ने लोगों को पढ़ाना शुरू किया, महिलाओं को पढ़ाना शुरू किया। और मराठी में क्या कहावत है, मुगली सिखली मुलगी सिखली। कोई बात नहीं है, दिल सीधा होना चाहिए, कीड़ा है रहने तो कुछ नहीं करेगा। अरे गृह मंत्री मेरा कुछ नहीं कर पा रहा है तो कीड़ा क्या करेगा। महंगाई आप सब जानते हैं, आपको मालूम है कि महंगाई का क्या हालत है। पहले तो BSNL को बर्बाद किया, ताई बहुत अच्छा बात बोली कि सरकारी चीजों को, सरकारी यंत्रणा को खराब कर देना है, और जब सरकारी यंत्रणा खराब हो जाए तो औने पौने महंगे दामों में जो है वही चीज को हमको वापस बेचना है। BSNL को जानबूझ करके खराब किया गया। उसके बारे में, यह पहले क्रिकेट मैच होता था, आज मैच है ना, तो क्या कहता था, BSNL कनेक्टिंग इंडिया, जब चौका लगता था तो याद है कि नहीं है, जब चौका लगता था तो कहता कि BSNL कनेक्टिंग इंडिया। उसके बाद हो गया भाई साहब नहीं लगेगा, और भाई साहब नहीं लगेगा अगर नहीं होता तो जियो धन धना धन होता। और जब जियो आया था, ये आपको याद है कि नहीं है, तो फ्री में दे रहा था। हम लोगों को भी लगा कि फ्री में मिल लगता है, रात भर बतियाते हैं कान में सटा करके जो है, हेलो खाना खाए, क्या खाए, अच्छा सब्जी बढ़िया नहीं था, रात रात भर। अभी कितने में रिचार्ज होता है, है? नहीं नहीं, तुम अभी BSNL यूज कर रहे हो, तुम समझदार हो, NSY में हो, इसीलिए। कितने में रिचार्ज होता है जियो का, 700 700 799 799 बताइए। पहले आदत लगाया, फ्री में दिया, BSNL को बंद करवाया, और मुंबई में और दिल्ली में MTNL होता था, पहले उसको बंद करवाया। अरे जिसका दोस्त ही प्रधानमंत्री हो, समझ रहे हैं, कहते हैं ना, अब सैया भय कोतवाल तो अब डर काहे का। पहले BSNL को, नहीं नहीं हमारा जिंदाबाद मत करो भाई, हम तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। हमारा संघर्ष हो गया, हम PhD कर लिए, हम निकल गए यूनिवर्सिटी से 2018 में ही, अब तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ रहेंगे, और हमारा जिंदाबाद मत करना। कभी भी जो है किसी व्यक्ति का जिंदाबाद मत करना, हमेशा विचार का जिंदाबाद करना, इस बात को याद रखना। इसीलिए शहीद आजम भगत सिंह ने कहा था कि बम और पिस्तौल कभी इनकलाब नहीं लाते हैं, इनकलाब की धार तेज होती है विचारों के स्थान पे। आइडियाज को जो है वैल्यू करना चाहिए। तो पहले BSNL को खराब किया, BSNL को बदनाम किया, BSNL को बंद किया, फिर फ्री में दे करके आदत लगाया, अभी 799 में मिल रहा है, कल को अगर 2799 में भी मिलने लगेगा तो मोबाइल फेंक दीजिएगा, रखिएगा ना, क्योंकि मोबाइल फेंक दीजिएगा तो रील कैसे बनाइएगा, स्टोरी कैसे डालिएगा, नहीं, और वो उस पर क्या होता है, स्ट्रीक बनाते हैं ना स्नैपचैट पे, तो स्ट्रीक कैसे बनाइएगा, पहले आदत लगाया। ये सारी बातें मैं आपसे क्यों कर रहा हूं, मैं ये सारी बातें आपसे इसलिए कर रहा हूं कि हमको अपने देश के भीतर जो सिचुएशन है उसको समझना पड़ेगा, हमारे साथ जो चीजें घट रही हैं उसको हमको समझना पड़ेगा, हम जिस समस्याओं से उलझ रहे हैं उसको हमको समझना पड़ेगा। महिलाओं के एजुकेशन के बारे में कहा गया है कि जब हम पुरुषों को पढ़ाते हैं तो एक जनरेशन सुधरता है, और जब हम महिलाओं को पढ़ाते हैं तो 7 जनरेशन सुधरता है। और आप सबने अभी देखा होगा, अगर मैं प्रधानमंत्री की तरह होता तो सिर्फ भाषण देकर के चला जाता, अपने मन की बात करके, क्योंकि
मैं आपसे बात करने आया हूँ क्योंकि जैसा कि आपको मालूम है कि ये कार्यक्रम है स्टूडेंट इंटरेक्शन का, और इंटरेक्शन का मतलब वन साइडेड डायलॉग नहीं होता है, वन साइडेड स्पीच नहीं होता है। थोड़ा आपके मन की बात, थोड़ा इनके दिल की बात, थोड़ा आप सबके एजुकेशन की बात, थोड़ी मेरी समझदारी, थोड़ी आपकी समझदारी, कुछ हम अपनी सुनाएं, कुछ आपकी सुने, इसको कन्वर्सेशन कहते हैं ना, तो वन साइडेड कन्वर्सेशन हो जाता। इसीलिए मैं आपसे कुछ सवाल पूछ रहा हूँ। दो तीन चीज़ पहले मैं आपसे साझा कर देना चाहता हूँ कि ये प्रोग्राम रखने का क्या उद्देश्य है, और हम NSUI की तरफ से इस देश के विद्यार्थियों के लिए, एजुकेशन सिस्टम के लिए क्या सोचते हैं और क्या करना चाहते हैं, इससे संबंधित दो तीन बात रख देते हैं। सबसे अव्वल तो ये कि आप सब लोगों की जानकारी के लिए NSUI ने पूरे देश में एक कैंपेन शुरू किया है, जिस कैंपेन का नाम है जुड़ेगा विद्यार्थी इंडिया जीतेगा। तो थोड़ा जोश से बोलो भाई, जुड़ेगा विद्यार्थी इंडिया। और हम लोग चाहते हैं कि आज भी इंडिया जीत जाए। तो कि आप 1:30 बजे से इंतजार कर रहे हैं और मैं आपके बीच देरी से पहुंचा हूं, इसके लिए मैं आप सबसे माफ़ी चाहता हूं। मुझे उम्मीद है कि मुंबई की ट्रैफिक को जानते हुए और हमारे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेताओं और कार्यकर्ताओं का जोश समझते हुए आप मुझे माफ़ कर देंगे। और बिना किसी देरी की और बिना किसी औपचारिकता के, क्योंकि औपचारिकताएं बहुत हो गई है और आज जो है इंडिया का मैच भी है ना, स्कोर काई झाले, तो बहुत सारे लोगों को क्रिकेट देखने के लिए जाना होगा और छुट्टी का दिन है आज, तो स्टूडेंट तो जो है छुट्टी के दिन में तो कम से कम नहीं चाहेंगे कि कहीं और जाना पड़े, है ना। अच्छा एक बात बताइए, एक बार हाथ उठाइएगा, कितने लोग यहाँ स्टूडेंट हैं स्कूल या कॉलेज में? आपने ये वीडियो देखा कि कन्हैया कुमार ने यहाँ पर ज्योतिरादित्य सिंधिया और साथ ही साथ ज्योतिरादित्य सिंधिया के पिता यहाँ पर माधवराव सिंधिया को लेकर वो क्या कहते नजर आए, तो यहाँ कन्हैया कुमार और उनकी बातों से आप कितने सहमत हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और देखते रहिए SPN9 न्यूज। धन्यवाद।